जिला पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल देर रात जिला पंचायत के आरक्षण की सूची जारी हुई, वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए हरिद्वार में प्रेस वार्ता की और सूची का विरोध किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव और जिला पंचायत चुनाव के जनपद प्रभारी विजय सारस्वत ने कहा कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन और सीटों का आरक्षण किया गया है वह गलत है और लोकतंत्र के विरुद्ध है। हरिद्वार से हर्ष तिवारी की रिपोर्ट। राजनीति के तहत राजनीति से प्रेरित होकर यह आरक्षण किया गया। पहले तो इन्होंने 1.5 साल के लगभग इस चुनाव को टाल दिया, अभी भी त्रुटिपूर्ण आरक्षण किया, अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए हैं सरकार। और ऐसे देवभूमि जैसे प्रदेश में अगर हम हिटलर शाही करेंगे, तानाशाही करेंगे या कानूनों को ना मान करके अपने कानून थोपेंगे तो भविष्य के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए अशुभ संकेत। सबसे पहले तो ये धोखा है इस जिले की जनता के साथ। एक धोखा पहले कर चुके चुनाव लेट करा के। आज देहात की जनता, गांव की जनता परेशान है। बारिश हो रही है, नलके नहीं है। आप जल जीवन मिशन करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं पर आप हैंडपम्प में पैसा नहीं दे रहे हैं।